की हेल्प कर रही है पुलिस वाले। देखते हैं अच्छा सीगल का बच्चा है, छूट गया ये। कम से कम 20-30 लेग्स है यहाँ पे। वेलकम बैक गाइस, इफ यू गाइस डोंट नो मी, माय नेम इज जनार्दन एंड आई एक्चुअली स्टडी इन स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मतलब मेरा ग्रेजुएशन हाल ही में हुआ है, मतलब 3-4 दिन पहले ही मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ स्मॉलिंग से। एंड और मैं अभी था करंटली पीटर्सबर्ग में, और पीटर्सबर्ग में मतलब मेरा एक ही दिन का स्टे था, मतलब दोस्त आए थे मेरे तो फिर एक ही दिन का स्टे किया था मैंने। एंड अभी जो जा रहा हूँ मैं, एक सिटी है पीटर्सबर्ग से, सिटी का नाम है करेलिया, वही जा रहा हूँ मैं। वैसे सुबह का बज रहा है 7 और ट्रेन है मेरी ऑलमोस्ट 10 बजे की, वैसे 3 घंटे हैं। तो फिर स्टेशन जाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि इस वक्त वैसे मैं मेरा यह 3rd टाइम था। फर्स्ट टाइम मैं लास्ट ईयर आया था, एंड विंटर में मतलब ये 3rd टाइम हो गया मेरा पीटर्सबर्ग, इसलिए मतलब मैं सोचा कि दूसरी सिटी क्यों ना विज़िट किया जाए। एंड करेलिया मतलब मैंने बहुत सुना है कि अच्छी जगह है, वहाँ के मतलब नेचर अच्छा है, पहाड़ वहाड़ सब बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया वहाँ जाना। और पीटर्सबर्ग के बारे में अगर बात करें तो फिर ये सिटी बहुत ही प्यारी है। अगर आप रशिया आ रहे हो तो फिर पीटर्सबर्ग विज़िट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मतलब टिपिकल रशियन सिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्को की बात की जाए तो मॉस्को वन ऑफ द बेस्ट सिटी है, बट मॉस्को क्या है कि मैन मेड सिटी है, बट पीटर्सबर्ग क्या है कि आपको अगर एंशंट रशियन की बिल्डिंग्स कैसे होती है मतलब एंशंट रशियन सिटीज़ कैसी होती है, तो फिर आप पीटर्सबर्ग ज़रूर देखिएगा, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा ये। तो फिर चलते अभी रेलवे स्टेशन, वही मिलेंगे आपको। और मतलब ये जो वोक्जाल है, मतलब वोक्जाल मतलब ये स्टेशन है, यहीं से अब मेरे को ट्रेन पकड़नी है। पर मैं जब पीटर्सबर्ग आया था तब मैं अलग स्टेशन पे आया था, ये कोई अलग स्टेशन है। मतलब एक एक सिटी में आपको 2-4 स्टेशन मिल जाएंगे बड़े सिटी में, आप देख लेना मतलब आपकी ट्रेन कौन से स्टेशन से छूट रही है, जब टिकट बुक कर रहे हो आप तब देख लेना आप। स्टेशन पर आ गया हो, और मतलब जिन दोस्तों को मतलब ट्रेन से मतलब ट्रैवल करने आता नहीं, मतलब जो भी इंडिया से आ रहे हैं रशिया घूमने, मतलब उनका फर्स्ट टाइम अगर हो तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर देख सकते हो आप, ये बोर्ड होता है, बोर्ड पे रशियन में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो फिर आपको कोई दिक्कत होती नहीं वैसे। तो फिर जैसे बोर्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है, मतलब सो फिर जैसे बोर्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको मतलब चलना है। एंड मतलब आपने फंसोगे नहीं कहीं कभी, और आपको मतलब ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत शायद से। देखो मुझे ट्रेन यहाँ से पकड़नी पड़ेगी ये स्टेशन से, एंड देखो ये रोड है, ये स्टेशन है, एंड वहाँ से चलती है ट्रैम। तो फिर देखो क्या सिस्टम है ये, मतलब बहुत ही सही सिस्टम है ये रशिया में, यहाँ से ट्रैम चल रही है, यहाँ से बस गाड़ियाँ चल रही है, एंड उसके बाजू में ट्रेन, मतलब बहुत ही सही है ये। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो फिर आपको ये सब देखने मिल जाएगा। और ये है वेटिंग एरिया, ये सेंट पीटर्सबर्ग का वोक्जाल का, लादोस्की वोक्जाल नाम है इसका। और ये देख सकते हो यहाँ पे आप ट्रैक नंबर 8-9 यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक है, एंड 10 और 11 वहाँ पे आ गया है। मतलब बोर्ड ऐसा आपको हर स्टेशन में मिल जाएगा, फिर आपकी ट्रेन के नंबर के हिसाब से चूज़ करके देख सकते हो आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा आपको। ट्रेन आ चुकी है यहाँ पे बाजू में देख सकते हो आप, ट्रेन मतलब 1 घंटे पहले ही आ गई है। एंड जो मेरा डब्बा है मतलब डिब्बा है, वैगन बोलते हैं उसकी में उसको, वो है 21st मैंने वैगन यहाँ पे ढूंढा बट मुझे मिला नहीं। फिर मैंने कंडक्टर से पूछा, उन्होंने बोला कि अभी तक वो इस ट्रेन में ऐड नहीं हुआ है। और फिर मतलब आगे जा रहा हूँ मैं तो भी 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21 पांच डिब्बे मतलब 5 वैगन ऐड होने वाले, और तो देखते हैं कैसा है। यस, 28 सीट नंबर है अपना, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये स्लीपिंग ट्रेन है एक्चुअली,
और ट्रेन मतलब एक्चुअली स्लीपिंग ट्रेन है ये, और मतलब मैं क्या है कि लोग सो रहे हैं अंदर एंड मैं सबको डिस्टर्ब ज़्यादा करूँगा नहीं, क्योंकि ऐसी ट्रेन मतलब मैं लास्ट टाइम मतलब लास्ट समर में ट्रांस साइबेरियन ट्रेन से ट्रैवल किया था, सेम ट्रेन है ये, और मतलब तभी लोगों से बहुत इंटरेक्शन किया था तभी, क्योंकि 5 दिन का ट्रैवल था, और आज अभी तो लोग सो रहे हैं, स्लीपिंग ट्रेन ही है, फिर आज मतलब डिस्टर्ब करना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और मतलब मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं कल सोया नहीं था। सो डायरेक्ट मिलेंगे आपको करेलिया में, एंड ट्रेन का टूर मतलब अगर आपको वीडियो देखनी हो तो फिर मैं चैनल की लिंक डाल देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन, वीडियोस की लिंक डाल देता हूँ, जो मैं ट्रांस साइबेरियन में 5 दिन ट्रेन में था उसकी लिंक मैं डाल देता हूँ। अराउंड 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स का हॉल्ट है, एंड देन वील स्टार्ट। Ну стан стан та сколько минут будет? 59 отправление за 5 минут заходим. Ага. 34 минуты я прошла всё. Хорошо. और ये स्टेशन पे है, 34 मिनट्स का हॉल्ट है, और कुछ बेच रहे हैं यहाँ पे, इंडिया में भी ऐसे होता है, यहाँ पे मछली बेच रहे हैं, मछली शायद से ग्रिल की है, क्या पता ये ईल है क्या, क्या कौन सी मछली है समझ नहीं आ रही वाली, देखी हूँ मैंने एनिमल प्लैनेट में, 500 बोल रही है, 500 रुपये का एक है, एक पीस 500 रुपये का है, यहाँ पे कुछ ब्रेड वेड भी है, स्वीर करके स्टेशन है, स्वीर करके यहाँ पे 34 मिनट्स का हॉल्ट है, और ये घंटा जर्नी ऑलमोस्ट 6 आवर्स का जर्नी था ये, और मैं मतलब जैसे आया मैं ऊपर वाला सीट मैंने बुक किया था, ऊपर जाके मैं सो गया था, सो फिर अभी मतलब 4-5 घंटे सोया मैं, एंड अभी एक मतलब अभी नीचे आया हूँ जस्ट, और मतलब मेरा स्टेशन भी अभी 1 घंटे में आ ही जाएगा, जो है पेत्रोजावत्स्क करेलिया, करेलिया एक बड़ा रीजन है, उसमें पेत्रोजावत्स्क करके एक पेत्रोजावत्स्क उसका कैपिटल है। और अभी करेलिया जो है पहुँचे गए हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे, एक भी मिनट लेट नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब रशिया में ट्रेन जो है लेट वो 90-95% लेट होती नहीं है वैसे, अभी थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि कोई नई जगह आया हूँ मैं, और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अभी, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अभी। सो फिर करेलिया जो एरिया है वो क्या है, बेसिकली क्या है कि स्वीडन और फिनलैंड और रशिया के का शेयर्ड एरिया है, इसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है एंड आधा हिस्सा यहाँ पे है रशिया में है, तो फिर एक कोई विलेज है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको मतलब मिक्स दिख जाएगा, मिक्स आर्किटेक्चर दिख जाएगा स्वीडन फिनलैंड और रशिया का, देखते हैं अभी क्या करना है मुझे, पहले तो हॉस्टल बुक करता हूँ एंड तुरंत ही निकल जाता हूँ, क्योंकि स्टे मेरा 1.5 दिन का ही यहाँ पे, एंड परसों मुझे निकलना है वापस स्मॉलेंस के लिए, तो देखते अभी कहाँ जाना है। सो वेलकम बैक, और अभी हॉस्टल में चेक इन कर लिया हूँ मैंने, हॉस्टल का मुझे वैसे पड़ा 800 रुपीज़ पर मंथ पर डे, जैसे 2 दिन का स्टे तो फिर 1600 पड़ा, और मतलब ये थोड़ा महंगा है क्योंकि समर सीज़न चालू है, एंड मतलब हॉस्टल महंगे ही मिलेंगे, अगर समर नहीं होता तो थोड़ा सस्ता मिल जाता, 500-600 तक मिल जाता, बट अभी यही रेट चल रहा है, तो फिर यही मिला मुझे अभी, और मतलब मैं ये मतलब जब ये स्टेशन पर आया था तब मुझे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स मिले थे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक दो जगह है, वो लोग भी फर्स्ट ईयर में थे, उनको भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, उन्होंने मुझे एक दो जगह सजेस्ट की है, देखते यहाँ पे एक लेक है उस O0 होने का, वहाँ पे देखते क्या कैसा है, बहुत मैं बस से देखा था बहुत बड़ा दिख रहा था, ट्रेन से भी जा रहा था तभी भी देखा था मैंने, देखते अभी यहाँ ही जाके कैसा है, बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ मैं नई नई जगह ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट है वो रात को 10 बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद आप जहाँ भी हो आपको टैक्सी लेके आना पड़ेगा, जो भी है बसेस वसेस सब बंद हो जाएगी, और आपको टैक्सी लेके वापस आना पड़ेगा,
फिर ये थोड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि बाकी सारे सिटीज़ में 12 बजे तक चालू रहता है, मेरे मतलब खुद के स्मॉल सिटी में 12 बजे तक चालू रहता है ये सब चीज़ें। देखते अभी क्या है, वहाँ पे बहुत खतरनाक व्यू आ रहा है, फ़ोटो वोटो खिंचाएँगे वहाँ पे थोड़ा। मैं अभी यहाँ पे चल के आया हूँ, ये एक्चुअली है वो ज़ीरो होने का साइड में देख सकते हो आप मेरे, यहाँ पे पीछे एक क्रूज़ भी चल रहा है, एक बोट है यहाँ पे बहुत बड़ा वाला, जो मैंने भी एक बोट राइड किया था, मैं बहुत बार बोट राइड किया हूँ, पीटर्सबर्ग में किया था मैंने कल जो ब्रिज खुलता है, मॉस्को में भी किया था। तो फिर हर एक सिटी में मतलब ऐसा होता है, मतलब जहाँ पे बड़ी रिवर हो वहाँ पे ऐसा होता है। और ये मतलब देखो ना, बहुत सही लग रहा है ये व्यू यहाँ से 404 होने का। ये देख सकते हो आप, ये रिवर ब्रिज टाइप कुछ लग रहा है, लेक ही है ये, बहुत बड़ी है। पर मैं विंटर्स में था लेक बाइकाल पे, उससे बड़ी तो नहीं है ये, बट ये लेक काफ़ी बड़ी है। थोड़ा सा बीच के पास में जाके देखते हैं कैसा लग रहा है, पानी में उतरूंगा नहीं मैं, बस थोड़ा करीब जाऊंगा और देखते हैं। वाह, पानी का आवाज़ एकदम कान को मंत्रमुग्ध कर देता है। थोड़ी हिंदी ज़्यादा हो गई मेरी सीख रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने ब्लॉगिंग में। ठंडी हवा बह रही है, पानी भी चल मस्त बह रहा है और मस्त मज़ा आ रहा है। अभी कोई पब्लिक नहीं है यहाँ पे, आज वैसे वीकडे है, यहाँ पे कोई है नहीं। वैसे पेट्रोज हाउस में बोला जाए तो मतलब बहुत सारे लेक्स होते हैं, लेक्स है मुझे ऐसा मालूम पड़ा है, कम से कम 20-30 लेक्स है यहाँ पे, ये तो वन ऑफ देम है। और ये सिटी को लग के ही है, बाकी सारे अंदर है, वो उस तरफ जंगल है, उसके अंदर लेक्स है बहुत सारे, वो मतलब कल एक तो मैं जाऊँगा देखने लेक्स। और ये देख सकते हो, ये शायद से सीगल का बच्चा है, छूट गया है ये, इसको उड़ने नहीं आता शायद से, और इसको तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा मैं, इसको थोड़ा पास से देखेंगे कैसे है भाई। ये भाग नहीं पाएगा ज़्यादा, तो भाग रहा है भाई, कुछ नहीं करूँगा भाई, छोड़ इसको, अकेला छोड़ दिया जाए। मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब मुझे कल परसों कहीं जाना है, तो फिर इन्होंने मुझे पूछ रहा है कि कहाँ जाना है, फिर ये थोड़ी हेल्प कर रही है पुलिस वाले, देखते कहाँ जाना है। मुझे ये मिला है, ये 12:30 से कल 6:30 तक 3,000 बोल रहे हैं ये, एंड ये सब चीज़ें घुमाएंगी, बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं। ये टाइम मेरे को थोड़ा बिजी लगा था। नो स्पेसिफिक वॉल्यूम है का क्वास आउट सोफिया वोशिम प्रिया पसीबा यूं या प्रिया दूसरा उतरा पसीबा पसुदन। और ये कुछ लेक मैंने आपको दिखाया ओने का, यहाँ से मैंने टिकट ख़रीदा और यहाँ पे कुछ दुकान है सोवेनियर का, देखते हैं अंदर क्या है। रस्ट वर्सेस मैग्नेट, कुछ मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स दे सकते हैं अपन करेली आके। ये दो सिलेक्ट कर लिए मैंने, ये मतलब फ्लैग है करेलिया का, एंड सेम रशिया जैसा, ये फिर एक फ़र्क है इसमें कि तीन कंट्रीज़ का मिक्सर है करेलिया, स्वीडन फिनलैंड और रशिया, तो इसलिए फ्लैग मिक्स है पूरा। एंड ये करेलिया का क्या वो कुछ तो बोलते वाटरफॉल का नाम भूल गया मैं कई कल वही जाने वाला हूँ, की वाच वाटरफॉल है, कल वही जाने वाला हूँ। सो देखते ये दो खरीदते हैं नो वर्थ। Отсюда пешком или на машине? Ну, здесь до центра где-то 1.5 километра. Полтора, да? Пешком можно, да? 15 минут где-то. Ну да, вот получается. Вот. Куда? Там... Куда? Туда, да? Да, вот туда да, дальше. Да, да. Ага. Ну, там получается дорожки всякие будут прогулочные. Туда идете, где-то вот, ну увидите там большое здание мэрии и вот вперед Ленина наверх. Ну если там я спрашиваю там куда. Да. Ну спасибо, удачи вам. अभी हमने मतलब वो टिकट अपनी हमारी बुक कर दी है कल की, वैसे 3,000 का पड़ा मुझे, कुछ 4-5 चीज़ें घुमाएंगे मुझे वो लोग, और फिर शाम को 6:30 को रिटर्न है वहाँ पे, ऐसे वहाँ पे। एंड अभी मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर पे, पीछे मतलब आप देख सकते हो वही मतलब लेक होने का बहुत बड़ी है, यहाँ भी है
पूरे लोग घूम रहे हैं मस्त यहाँ पे, सब पार्क पार्क जैसा है। शाम का टाइम है अभी, 8 बज रहा है फिर भी मतलब धूप अच्छी खिली हुई है। और सिटी सेंटर पे चलते हैं फिर रिटर्न आ जाएंगे वापस, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग सीज़न मतलब ट्रैवल करना है मुझे बहुत, कल परसों वापस इंडिया भी जाना है, तो फिर ये 10 दिन बहुत मतलब ट्रैवल ही करना है बस पूरा। लेक पे था, लेक ओनेगा पे, और वहाँ पे थोड़ा घूम लिया और उधर से ही सिटी सेंटर पे निकल गया। और अभी ये सिटी सेंटर ही है ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ से थोड़ा मैंने सामान लिया है, कल मुझे वहाँ पे जाना है, मतलब एक्सकर्शन जो बोलते हैं हम मतलब रुस्की में एक्सकर्सिया बोलते हैं, वहाँ पे जाना है, उसका 3000 बोला है, तो फिर उसमें बहुत कुछ दिखाने वाले वो लोग, तो उसके लिए थोड़ा खाना लिया हूँ मैं, मतलब कुछ भी जो भी मुझे लगेगा वो सब लिया हूँ मैंने। तब मैं सोचा कि बाहर पैसे वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा, खुद ही मतलब बना के लेके जाऊँगा ऐसा कुछ। तो फिर मेरे को लगता है मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा कल का, मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे वो सब, देखते कैसा होता है, आपको वीडियो में मतलब दिख जाएगा कल सुबह वैसे 12 बजे चालू हो जाएगा, शाम के 6:30 बजे तक चलेगा, तो वीडियो मतलब पूरा देखते रहना, ठीक है। सो थैंक यू।